मामा जी मुझे फीडर ला दे। दुआ सबर ला। हाँ वैसे ये सबर करने वाला महीना है। हाँ तो करो ना। जैनब के पापा ये दुआ का हिसाब लगाया आपने? बस मेरा हिसाब लगाओ सारे। क्या हो गया बेगम? सुबह के 4 फीडर पी चुकी है। दुआ बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो ना। पढ़िए पापा जी। तो साथ अऊज़ुबिल्लाह भी पाल लो ना। सारा कुछ तो शैतान के पेट में जा रहा है। तो देख ले पापा जी, मामा मुझे शैतान कह रहे हैं। नहीं दुआ, शैतान तो रमजान में कैद हो जाते हैं। तो है पापा जी। हाँ मोहम्मद भाई, तभी तो मस्जिदों में नमाजी बढ़ जाते हैं। और सच आप जी ऐसे ही जैसे दुआ के फीडर बढ़ जाते हैं। आप जी तुम्हें इतने तले होते हैं? एक और एक 11 होते हैं, और कितने होते हैं? वाजी वाह। नहीं आप जी 2 होते हैं। तो फिर मुझसे क्यों पूछा है? बेटा रमजान में झगड़ा नहीं करते। हाँ मामा जी। हाँ मोहम्मद, अगर कोई झगड़ा करे भी ना तो कहते हैं इन्नी साइमुन। आप जी इन्नी साइमुन। मोहम्मद भाई पहले रोजा तो रख लो ना। अच्छा आप जी आज इफ्तारी में क्या पक रहा है बेगम? आज इफ्तारी में आलू है, आलू वाले चावल है, आलू की टिक्किया है, आलू के पकौड़े है, आलू की चिप्स है। क्या वजह बेगम, आज आपका मूड ठीक नहीं लग रहा? वजह हमारे घर में एक ही है पापा जी। ये जितना दुआ ने तंग किया है ना, किसी बच्चे ने इतना तंग नहीं किया मुझे। क्यों दुआ? आहो जी पापा जी, दुआ मामा को बड़ा तंग करती है। मामा ने मैं आप तो ताने ले तरता ना। मोहम्मद यार तुम तो बच्चे ही बड़े अच्छे हो के। शुक्रिया पापा जी। पापा जी मैं भी अच्छी बच्ची हूँ ना। जिसके हमसाये कहे ना तुम अच्छे हो तो वो अच्छा होता है। हाँ जी पापा जी। जो माँ बाप को दुख देता है ना, ना उसकी नमाज कबूल होती है ना रोजा। है पापा जी। हाँ दुआ जाओ मामा से माफी मांग के आओ। पापा जी मुझे डर लगता है, पहले आप मांग के आओ। हाँ। अच्छा जैनब के पापा एक शीशा। कंघी नहीं लानी? नहीं नहीं कंघी नहीं लानी। मंगवा ले मामा जी, दुआ के सिर में ना बुरी जुए हैं। जुए रही है आप जी? होती है पपाई, सुसरी चावलों में होती है, गंदम में भी होती है जैनब के पापा। लेकिन सर में तो नहीं ना होती बेगम। मोहम्मद भाई तुम भी ना बोले ही हो। अच्छा आप जी। अच्छा याद आया, अभी तो रमजान का राशन भी लाना है, तो जाके ले आते है ना बेगम। दुआ का क्या करना फिर पापा जी? दुआ छोड़िए आप जी। ये लो जैनब, दुआ उठे ना तो उसे दे देना। ठीक है मामा जी। आप आज बुझे ले आ जाओ मोहम्मद यार। चलो जैनब के पापा दुआ ना उठ जाए। हाँ हाँ जाओ जाओ। मोहम्मद आई लव यू बेटा। आई लव यू टू पापा जी। पापा जी यही बात कभी मामा से भी कह दिया करें। अभी कह देते हैं जैनब। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर पापा जी पहले आप ही कह दे। हाँ पापा जी। नहीं पापा जी लेडीज फर्स्ट। हाँ जैनब बेटा यही ठीक रहेगा। कुछ ख्याल करो, मैंने रोजा रखा हुआ है। मामा जी आई लव यू तेरे से रोजा नहीं छूटता। हमारे नबी तो रोजे की हालत में बोसा भी ले लिया करते थे। वो तो बेटा उम्मत को मसाला समझाने के लिए था कि बोसा लेने से रोजा नहीं टूटता। पापा जी आप भी बोसा लेके हमें मसाला समझा दे। ठहर जा दुआ, मैं समझाती हूँ तुम्हें मसला।